नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एच एस टेक टेलरिंग में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं डेटा रिकवरी। अगर आपका पेंडेमिक डेटा डिलीट होता है तो सॉफ्टवेयर की वेबसाइट को ओपन कीजिए। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको फ्री डाउनलोड एक सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कीजिए, जिप रूप में होगा। इसको राइट क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद सेम जगह पे आपको इसी नाम का एक नॉर्मल फोल्डर मिल जाएगा। इस फोल्डर में जो ये लोगो का फाइल है इसको आपको ओपन करना है, ये वाला। इस फाइल को ओपन करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए कहा जाएगा। आपने सॉफ्टवेयर को इंग्लिश भाषा चूज करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको टिक करना है आई एग्री पे, और ये सॉफ्टवेयर आपके इंस्टॉल होकर तैयार होकर या आपको कैंसिल करके सॉफ्टवेयर को एक बार क्लोज कर देना है। अभी हमें ये देखना है कि हम डेटा रिकवरी कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम इस वीडियो में आपको एक अपने पेन ड्राइव लगा के दिखाते हैं, जिसमें कुछ स्क्रीनशॉट नाम से कुछ इमेजेस पड़ी है। हम उसे डिलीट कर देंगे और फिर उसके बाद, और ये इस सॉफ्टवेयर की ऑल डिटेल है, ये मैक के लिए भी है, लिनक्स के लिए भी हर तरह से अवेलेबल है। अभी ये देखिए, मैंने आपको स्क्रीनशॉट में आपको एक फोल्डर दिखाया एक्सट्रैक्ट करके, इसमें कुछ फाइल्स पड़ी हैं। हम इस फोल्डर को अभी डिलीट कर देंगे आपके सामने। तो ये सारी फाइल्स जेपीजी हैं और फोल्डर का नाम है स्क्रीनशॉट। तो जैसे ही हमने इसको राइट सेलेक्ट किया और शिफ्ट डिलीट बटन दबाया, यस, अब ये फोल्डर डिलीट हो चुका है। और डिलीट होने के बाद ये रिसाइकल बिन से भी बाहर गया, क्योंकि मैंने शिफ्ट डिलीट किया है। हम आपको रिसाइकल बिन भी दिखा देते हैं। रिसाइकल बिन में कुछ भी नहीं पड़ा, देखिए ब्लैंक है। तो अभी हमारा फोल्डर पूरी तरह से डिलीट हो चुका है पेन ड्राइव से। अब इसे ओपन करने के लिए डाउनलोड में आए, यहाँ पे कंप्रेस में आए, कंप्रेस में जो अनकंप्रेस फाइल थी यहाँ से हम सॉफ्टवेयर को रन कर लेंगे। रन करने के बाद जैसे हम रन करेंगे हमें सारी हार्ड ड्राइव दिखाई देगी, इसमें से हमें पेन ड्राइव को चूज़ कर लेना है। तो ये यहाँ पे हमने पेन ड्राइव को चूज़ कर लिया और ओके कर देना। ओके करने के बाद हमें पेन ड्राइव दिखाई देगी, इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसमें ये देखिए एक डिलीट फोल्डर दिख रहा है स्क्रीनशॉट के नाम से। इसको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद रिकवरी वाले ऑप्शन को लेना है। जैसे हम रिकवरी वाले ऑप्शन को लेंगे, यहाँ पे इसको टिक को यहीं रखना है और ओके कर देना। ओके करने के बाद ये वाला ऑप्शन हमें ओके करने के बाद यस करना। जैसे हम यस करेंगे ये सारा डेटा रिकवर होकर हमारे लिए तैयार हो जाएगा। ओके करने पे ये डेटा रिकवर पेन ड्राइव में से होगा, और पेन ड्राइव में नहीं जाएगा, ये जाएगा सॉफ्टवेयर के बेस फोल्डर में जो डाउनलोड सेक्शन में, तो वहाँ ये फोल्डर्स मिल जाएगा। तो ये सारी फाइल्स है जो रिकवर हुई है, और इसने रिकवर करके कहाँ रखी है, डाउनलोड में अपने फोल्डर के अंदर जहाँ से हमने सॉफ्टवेयर को रन किया था। तो यहाँ जाके आप देख सकते हैं ये सभी फाइलें, हमें व्यू करके दिखा देते हैं कि वो जो फाइलें फोल्डर में थी वो सभी के सभी यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो ये सब फाइलें यहाँ पे डाउनलोड होकर आ गई है, इनको यहाँ से कॉपी करके आप सोर्स फोल्डर पर दोबारा रख सकते हैं। तो ये तो हमारा डेटा रिकवरी का सॉफ्टवेयर, बड़ा ईजी और नॉर्मल तरीके से और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं थे। तो थैंक यू एंड बाय बाय।